जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर बर्खास्त। सुप्रीम कोर्ट का स्टे हटते ही राज्य सरकार ने लिया एक्शन। राजस्थान में महापौर के मुद्दे पर भी फिर भड़ेगी सियासत। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर को राज्य सरकार ने महापौर पद से बर्खास्त कर दिया। श्वेता शासन विभाग के निदेशक ने मंगलवार 27 सितंबर की सुबह आदेश जारी करते हुए सौम्या गुर्जर को महापौर पद से तुरंत प्रभाव से हटा दिया। सौम्या गुर्जर की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। राज्य सरकार की ओर से बर्खास्तगी के आदेश के साथ ही सौम्या गुर्जर आने वाले 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकेंगी। उन्हें पुनर्निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें, जून 2021 में जयपुर ग्रेटर नगर निगम में एक बैठक के दौरान महापौर सौम्या गुर्जर और नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त यज्ञ मित्र देव सिंह के साथ कहासुनी हो गई। इस दौरान कुछ पार्षदों ने निगम कमिश्नर के साथ हाथापाई कर दी। महापौर और पार्षदों द्वारा गाली गलौज और दुर्व्यवहार करने पर निगम कमिश्नर ने ज्योति नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। लोक सेवक के साथ दुर्व्यवहार के आचरण को गलत बताया गया। पुलिस जांच में 3 पार्षदों और महापौर को दोषी माना गया। इसके बाद राज्य सरकार ने महापौर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों को बर्खास्त कर दिया था। सरकार के इस आदेश को चुनौती दी गई। इसके बाद में राज्य सरकार ने न्यायिक जांच के लिए कमेटी का गठन किया। न्यायिक जांच कमेटी ने भी 3 पार्षदों और महापौर सौम्या गुर्जर के आचरण को गंभीर मानते हुए दोषी करार दिया। वहीं पुलिस जांच में दोषी पाए जाने के बाद अगस्त 2021 में राज्य सरकार ने सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों को बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। राज्य सरकार की ओर से बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ सौम्या ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्तगी के आदेश पर स्टे दे दिया। फरवरी 2022 में सौम्या ने एक बार फिर महापौर की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। वहीं इस दौरान न्यायिक जाँच कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी। न्यायिक जाँच में भी सौम्या गुर्जर को दोषी पाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण राज्य सरकार ने तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया। पहले जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के पूर्व आदेश से स्टे हटाया। इसके बाद सरकार ने सौम्या गुर्जर को बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए। वहीं जयपुर की मेयर सौम्या गुर्जर सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकती हैं। गुर्जर के पास अब केवल हाईकोर्ट जाने का विकल्प बचा है। सौम्या गुर्जर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किए हैं उसके तहत सौम्या गुर्जर जांच रिपोर्ट को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकती हैं। सौम्या गुर्जर के पास अब हाई कोर्ट का विकल्प बचा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।